नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, पेज नंबर 205 का। अब टू 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बैलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लेवल एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर्स फ्रॉम द ग्राउंड। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइस ऑफ द गर्ल at any instant is 60 degrees. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degrees. Find the distance traveled by the balloon during the interval. इसके अंदर क्या है? एक गर्ल है जो कितनी हाइट की है? 1.2 meters. 1.2 meters. ठीक है? ये क्या कर रही है? बैलून के साथ खेल रही है. ठीक है? बैलून इनिशियल में बैलून का हाइट फ्रॉम द ग्राउंड जो ऊपर उड़ रहा है वो कितना है 88.2 मीटर्स। बैलून का फर्स्ट पोजीशन जो है वो 60 डिग्रीज के आसपास है, यानी कि इधर है ए एंड बी, इसका फर्स्ट पोजीशन है। सेकंड पोजीशन थोड़ी देर के बाद जब विंड चलती है यानी हवा चल रही है इस डायरेक्शन से, तब ये यहां पहुंच गया सी और डी। आपका क्वेश्चन पूछा गया है Find the distance traveled by the balloon during the interval. उसके बीच में यानी 30 से जब 60 से जब 30 हुआ तो ये कितना ट्रेवल किया, वो कितना ट्रेवल किया, इसने यहां से लेके यहां तक ट्रेवल किया, तो this is parallel to this. उसीलिए हमको BD find out करना है। तो हमारा ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास दो ट्रायंगल हैं। कौन कौन से ट्रायंगल हैं हमारे पास में? एक ट्रायंगल है tan 60 डिग्री वाला, तो ट्रायंगल 60 वाला लेंगे हम पहले। तो क्या है ट्रायंगल ए बी पी, और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास में कौन सा है, ट्रायंगल पी सी डी। ए बी पी करके देखते हैं हम लोग, क्या है tan 60 डिग्रीज इज इक्वल टू ए बी बाई पी बी। tan 60 कितना होता है, रूट थ्री, रूट थ्री इज इक्वल टू ए बी बाई पी बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारा क्या आएगा, ए बी इज इक्वल टू रूट थ्री पी बी। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ए बी, ए बी हमारा कितना है, यहां से लेके यहां तक है, लेकिन इसने बताया ए बी नहीं दिया गया है, हमारा दिया गया है टॉप ऑफ द बैलून टू द ग्राउंड, ये हमारा 88.2 मीटर्स है। कितना है 88.2 मीटर्स, 88.2 मीटर्स। लेकिन जब ए बी निकालना है तो हम क्या क्या करना पड़ेगा, गर्ल का हाइट को माइनस करना पड़ेगा, माइनस 1.2 मीटर इज इक्वल टू 87 मीटर्स। ये आपका ये वाला निकला 87 मीटर्स, दिस इज इक्वल टू दिस, हमने लिखा हुआ है पहले से ही। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, ए बी में पुट करो कितना हो गया 87 इज इक्वल टू रूट थ्री पी बी। अब पी बी कितना हो गया हमारा, पी बी इज इक्वल टू 87 बाई रूट थ्री, रूट थ्री को नीचे नहीं छोड़ना है, क्या करेंगे हम ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा कितना आएगा पी बी, पी बी कितना आएगा 87 रूट थ्री बाई थ्री। थ्री से ये कट हो रहा है हमारा, कट कर देते हैं 1, ये 29, तो हमारा हो जाएगा पी बी इज इक्वल टू 29 रूट थ्री मीटर्स, 29 रूट थ्री मीटर्स पी बी हमारा निकल के आया 29 रूट थ्री मीटर्स। अब
सेकंड ट्रायंगल है, इसके अंदर हमारा क्या है, tan 30 डिग्रीज, tan 30 डिग्रीज इज इक्वल टू, अपोजिट कितना है, CD है, CD इज इक्वल टू AB, कितना है 87 बाई बेस, बेस हमारा क्या है PB प्लस BD, ठीक है, tan 30 कितना होता है 1 बाई रूट 3 इज इक्वल टू 87 बाई PB कितना निकला था हमारा 29 रूट 3 प्लस BD, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारा क्या आएगा 87 रूट 3 इज इक्वल टू 29 रूट 3 प्लस BD आएगा, 29 रूट 3 को लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे आपका क्या आएगा 87 रूट 3 माइनस 29 रूट 3 इज इक्वल टू BD, 87 माइनस 29 कितना हो रहा है 58, 58 रूट 3 इज इक्वल टू BD आपका आंसर है, यानी कि 30 डिग्री से 60 डिग्री से 30 डिग्रीज की तरफ गया तब आपका बैलून ने कितना डिस्टेंस कवर किया 58 रूट 3, ठीक है, आंसर इज 58 रूट 3 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 15 है, पेज नंबर 205 का, क्या है, अ स्टेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड, 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्रीज, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। आपका डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगा, ये जो डायग्राम दिख रहा है इस तरह से, सपोज ए और बी आपका टावर है, ठीक है, कार, ये जो यहां से डॉटेड लाइन दिख रही है ये आपका हाईवे है, कार पहले जो इनिशियल पोजीशन है कार की सपोज यहां पर है, फिर यहां से इसको यहां तक जाना है यानी फुट ऑफ द टावर तक जाना है, जब ये यहां पर है तब यहां पर जो ए के पास एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है वो देख रहा है कि ये 30 डिग्रीज पे है, ये 30 डिग्रीज पे है, तो ये यहां पर भी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। फिर इसने कहा कि आफ्टर 6 सेकेंड्स के बाद कार ने नया पोजीशन लिया, पोजीशन नंबर 2, जहां पर उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना हुआ 60 डिग्रीज, तो ये भी आपका 60 डिग्रीज बनेगा। यहां सी से लेकर डी तक फर्स्ट पोजीशन से सेकंड पोजीशन के बीच में उसने 6 सेकंड्स लिए। आपका क्वेश्चन है डी से लेके बी तक यानी नए पोजीशन से लेके फुट ऑफ द टावर तक आपका कितना टाइम लेगा, ठीक है, आपकी कार कितना टाइम लेगी। इसके अंदर हमारे दो ट्रायंगल हैं, दोनों ट्रायंगल कौन कौन से हैं हमारे, एक ट्रायंगल हमारा है पहला ए सी बी, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है हमारा, ट्रायंगल ए डी बी, राइट एंगल ट्रायंगल की तरफ ही ध्यान देना है हमको सिर्फ, तो ए डी बी। अब हम पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हमारा क्या है tan 30 डिग्रीज इज इक्वल टू, अपोजिट क्या है हमारा
AB और बेस क्या है हमारा CB, ठीक है। tan 30 कितना होता है 1 by root 3 is equal to AB by CB को हम टुकड़े करेंगे CD plus DB, CD plus DB, ठीक है। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आएगा root 3 AB is equal to CD plus DB, ठीक है। हमको अभी निकालना क्या है, DB निकालना है, ठीक है। तो CD को हम इस साइड में लेकर आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा root 3 AB minus CD is equal to DB, ठीक है। सेकंड ट्रायंगल में आप देखेंगे हम, सेकंड ट्रायंगल में क्या है हमारा tan 60 degrees is equal to AB by DB, tan 60 कितना होता है root 3, root 3 is equal to AB by DB, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा root 3 DB is equal to AB, ठीक है। यहां पर हमने DB को बाहर रखा है, यहां पर भी हम DB को बाहर रखेंगे। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अभी ये वाली वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहां पर AB की जगह पे ये पुट करेंगे तो हमारा आएगा root 3 ब्रैकेट के अंदर root 3 DB minus CD is equal to DB, root 3 into root 3 3 3 DB minus CD is equal to DB, DB को इस साइड में लेकर आएंगे, इसको इस साइड में लेकर आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा अब 3 DB minus DB is equal to CD, तो ये कितना हो गया हमारा 2 DB is equal to CD, ठीक है। ये हमारा हिंट है कि 2 DB is equal to 1 CD, 2 DB is equal to 1 CD, यानी CD के अंदर 2 DB हैं। जब 2 DB हैं, तो हमारा क्या हो रहा है? 2 DB को DB में 6 seconds ले रहा है। तो 1 DB में कितना लेगा वो? 6 by 2 is equal to 3 seconds. Clear? आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, पेज नंबर 205, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम टू पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विथ इट आर कॉम्प्लीमेंट्री, prove that the height of the tower is 6 meters. आपको prove करना है. आपका question क्या पूछा गया है? एक tower है. Suppose, एक tower जो है, वो हमारी A और B है. अब, tower के foot से 4 meter के distance पे, 4 meter के distance बताया गया है, उसके बाद आपका बताया गया है कि दूसरा डिस्टेंस है 9 मीटर्स, ठीक है, यह है 9 मीटर्स, पॉइंट दे देते हैं, यह C है, यह D है, ठीक है। फिर जब
ये जो टावर है, टावर का एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन जहां पर ये लोग देख रहे हैं, ठीक है, ये दोनों देख रहे हैं दोनों पॉइंट से। इसने कहा कि वो क्या है, हमारा कंप्लीमेंट्री है। सपोज यहां से एलिवेशन हमारा अगर टीटा बन रहा है, और तो यहां से क्या बनेगा हमारा 90 माइनस टीटा। हमको क्या प्रूव करना है, हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर्स, ये वाला प्रूव करना है कि ये 6 मीटर है या नहीं, ठीक है। ठीक है, अब हम करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, कि दोनों का सम 90 डिग्री हो, दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है। तो हम पहला एक ट्रायंगल लेंगे, तो पहला ट्रायंगल हमारा क्या है, ट्रायंगल ए बी सी। दूसरा ट्रायंगल हमारा क्या है, ट्रायंगल बोलो ए बी एंड डी। इसके अंदर हम लोग क्या लेंगे, टैन थीटा इज इक्वल टू, अपोजिट क्या है हमारा हमको पता नहीं है, हम डायरेक्ट लिखेंगे ए बी बाई 4, ठीक है, टैन थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई 4, बस इतना ही लिखना है हमको। नेक्स्ट ये वाला भी करते हैं हम, तो ये कितना है, टैन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अपोजिट क्या है, ए बी बाई 9। टैन 90 माइनस थीटा कितना होता है हमारा, टैन 90 माइनस थीटा कितना होता है हमारा, कॉट थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई 9, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा हमारा, 9 cot theta इज इक्वल टू ए बी, ठीक है। अब यहां पर भी सेम चीज करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा क्या आएगा, 4 tan theta इज इक्वल टू ए बी आएगा हमारा, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारा ये जो इस ट्रायंगल का निकला था और इस ट्रायंगल का, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी इंटू ए बी कितना हो जाएगा हमारा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टैन थीटा इंटू 9 कॉट थीटा। इसमें ध्यान रखना है, जहां पर भी अपना थीटा वाला क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आपको क्या करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन वैल्यू सेम रखिए, ए बी और ए बी, आपका क्या आएगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 9 जा 36 टैन थीटा इंटू कॉट थीटा। लास्ट चैप्टर में आपने क्या पढ़ा था, टैन थीटा क्या होता है हमारा, टैन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और कॉस थीटा क्या होता है, सॉरी कॉट थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ये दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे आप, तो देखोगे ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, तो दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हमारा आएगा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ए बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 6 मीटर्स, जिसमें से माइनस को आप नेगलेक्ट कर दोगे, क्योंकि हाइट हमारी माइनस में नहीं हो सकती। तो फाइनल आंसर हमारा होगा ए बी
इज इक्वल टू 6 मीटर्स। ये एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है ये।